देवर जी जल्दी देखिए मेरे साड़ी में क्या घुस गया। अरे जल्दी देखिए ना। अरे क्या घुस गया है? क्यों रो रहे हो? भाभी रुको तो देख रहा हूँ, रुक जाओ। अरे क्या देखेंगे, रुकी क्या है अंदर? अरे मुझे क्या मतलब, पता नहीं कुछ घुस गया लेकिन। अरे भाभी कुछ भी नहीं, अंदर अंधेरा हो रहा बस। अरे देवर जी अब अंदर घुसेंगे तो अंधेरा ही दिखेगा ना। तो फिर क्या घुसा है अचानक इतना, बेचैन क्यों हो गई? अरे देवर जी पता नहीं क्या घुस गया था, एकदम से ऐसा लगा ना कि पैर से ऊपर साड़ी के अंदर पता नहीं क्या घुसा, लेकिन कुछ तो घुसा था। आपको दिखा नहीं क्या अंदर कुछ? नहीं भाभी मैंने ना पूरा का पूरा झांक के देख लिया, अंदर तक देख लिया। अरे जड़ तक नजर पहुंचा दी मैंने, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं दिखा। जड़ तक अब मतलब जो लास्ट एक... अच्छा ठीक है बताने की जरूरत नहीं है देवर जी, लेकिन घुसा गया था पता नहीं भाभी, आपकी साड़ी आपका ब्लाउज जो चाहे घुस गया होगा। ब्लाउज मतलब पेटीकोट। हाँ। वो क्या ना मुझे औरतें कपड़ों के बारे में ना थोड़ी सी कम नॉलेज है, इसलिए तो कह रही शादी कर लो शादी। क्या तुमने ना दुखती रख पे हाथ धर दिया, शादी के बाद छिड़ गए। अरे मैं तो कब से करना चाहता हूँ, अरे तड़प रहा हूँ मसक रहा हूँ, लेकिन यार कुछ सुनता नहीं है। कहते अभी थोड़ा बड़ा हो जा तब शादी करियो। अरे उनको क्या पता कि मैं बड़ा नहीं हुआ, मेरा भी बड़ा हो गया है। मतलब मेरा दिल बड़ा हो गया है, शादी के लायक बड़ा हो गया। अच्छा क्या होता हूँ, आपने कहा ना बड़ा हो गया, मैंने कहा क्या बड़ा हो गया एकदम से। वैसे देवर जी देखिए शादी करके भी क्या फायदा, क्यों नहीं फायदा है ना भाभी। अरे रोज रोज मिलेगी रोटी पकी पकाई है ना, वो तो मैं भी देती हूँ। देती हूँ रोटी भैया को? देती हो ना, मुझे तो नहीं देती ना, मुझे भी दो ना कभी रोटी। देवर जी कैसी बातें करो, तुम्हें गर्म गर्म रोटी सुबह सुबह खिलाती नहीं, रात को भी खिलाती हूँ मैं तुम्हें, अच्छे से देती हूँ, तुम लेना ही नहीं चाहते हो। अरे भाभी बात है ना, सिर्फ रोटी से काम नहीं चलता, मुझे ना पाव मतलब बन भी पसंद है। बन जो पाव होते हैं ना, पाव बन जो होते हैं जिसको पाव बोलते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, बड़े बड़े। और आपके पास तो खैर क्या ही कहने, कितने बड़े बड़े पाव हैं। कौन से पाव कौन से बन? अरे वो जो सुबह सुबह चाय में डुबो के खाते हैं। तो ऐसे बोलो ना, तो बोला करो कि हाँ भाभी चाय के साथ मुझे बन भी चाहिए, वो भी दो। देवर जी लेकिन तुम दूध वाली चाय तो पीते नहीं। हाँ वैसे मुझे दूध वाली चाय नहीं पसंद, मुझे दूध पसंद है वो भी भैंस का। अच्छा भैंस का। देवर जी हमारे यहाँ तो बकरी का दूध आता है ना। अरे यही तो दिक्कत है, हमारे घर में भैंस का ही दूध आता है। देवर जी कैसी बातें करते हो। अच्छा भैंस का था, वो क्या ना कि दूध सफेद सफेद होते हैं एक जैसे होते तो पता नहीं चलता। अरे दूध सफेद ही होता है, पीला कौन सा होता है। हाँ हाँ चलो छोड़ो ना, क्या दूध लस्सी और दही की बातें लेके बैठ गई। ये बताओ भाभी जी के आपकी नज़र में कोई है क्या, कोई अच्छी सी लड़की, आपकी कोई बहन वहन या कोई दोस्त वोस्त जो मुझ जैसे छठे छाट लड़के से शादी कर सके? वैसे मैं गबरू जवान हूँ और ताकत भी बहुत है मेरे अंदर। देवर जी क्या ज़रूरत है बाहर किसी के साथ मुंह मारने की, अच्छा लोग थोड़ी ना कहेंगे, बदनामी होगी वो अलग। देखो शादी करने की अभी उम्र तो है नहीं आपकी, आपके भाई लोग करवाएंगे नहीं क्योंकि आप अभी कमाते नहीं है ना। अरे भाभी इसी चीज़ का तो रोना है कि लड़का कमाते नहीं है। अरे कमाई के जो चक्कर में रहेंगे ना तो फिर जो मेन पॉइंट है ना वो रह जाएगा। मेन पॉइंट ही क्या है? अरे मतलब मैं ना जवान हो चुका हूँ अंदर से, वो मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा आग भरी पड़ी है। हाँ, निकालने के लिए कुछ देवर जी निकालिए ना। कहाँ निकालू, वही तो नहीं मिल रही जगह, एक जगह। हाँ अभी आपने कहा था ना साड़ी के अंदर पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, जगह ही जगह है देवर जी। क्या कह रही हो भाभी जी आप, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है आपकी बात। अजीब देवर जी आपने कहा था ना जड़ तक दिख लिया, मैं कुछ है नहीं अंदर। देवर जी एक काम करते हैं, आप अंदर चलिए और अंदर चल के अच्छे से देखिए कुछ सच में तो नहीं घुस गया है, और कहीं घुस के जड़ तक भी चला जाए तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। देवर जी समझा करिए आप। हाँ हाँ भाभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक काम कीजिए आप ना अंदर चलिए और अपनी साड़ी उतार दीजिए, मैं कह रहा हूँ सारे कपड़े उतार दीजिए, क्योंकि हो सकता है ना। उतारने की जरूरत क्या है, नीचे से उठा दूंगी ना। अरे नहीं नहीं भाभी ऐसा ना, कभी कभी वो जो अंदर कोई अगर कीड़ा वगैरह होगा तो कहीं छुप ना जाए, रहेगा तो देखने में दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए पहले आपको पूरा अच्छे से स्कैन करूंगा, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से, तो पता चल जाएगा कहीं कुछ होगा तो। ठीक है चलिए देव जी, चलिए चलिए चले। अरे हाँ तो अब देरी किस चीज़ की, देख लीजिएगा तो अच्छी बात है ना, आप समझ नहीं रहे। समझ तो मैं समझ रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से समझाते हैं।